दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और न्यूज़ के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आवेदन की तारीख है जो 30 दिन बढ़ा दी गई है, इससे संबंधित न्यूज़ है। तो शुरू करें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो न्यूज़ जयपुर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से हो रही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 रिवाइज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी गई है। पहले 15 दिन दिए गए थे, अब 10 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। विभाग ने पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने को केवल 15 दिन दिए थे, अब एक साथ 30 दिन बढ़ा दिए गए हैं। अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, पहले तो 15 दिन दिए थे और कहा था दिवाली तक भर्ती भी करवा देंगे, और अब इन्होंने 30 दिन बढ़ा दिया गया है, तो विरोध जायज है। कोर्ट ने भी आदेश दिया था 4 महीने में भर्ती कम्प्लीट करने का, वो भी पूरा नहीं हो सका है, उनका भी कोर्ट का भी उल्लंघन है ये नियमों का। तो विरोध क्यों हो रहा है ये देखिए, जानिए क्यों हो रहा है विरोध। हाईकोर्ट ने विभाग को इस भर्ती के लिए लेवल 2 में चयन के लिए नियम बनाने को कहा था। इसके बाद विभाग ने आवेदन नए सिरे से लेने की प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू की गई थी। पहले 11 अक्टूबर अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 नवम्बर कर दी गई है। इस भर्ती में लेवल 2 में नॉन टीएसपी में 6045 पद और टीएसपी एरिया में 1455 पदों पर भर्ती होनी है। अब इस भर्ती में स्नातक के 30% अंक और रीट या आरटेट के 70% अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। विरोध के भी कारण है, क्या कारण है देखिए, विरोध शुरू हुआ है उसके। भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का विरोध भी शुरू हो गया है। कई अभ्यर्थियों को आरोप है कि सभी ने इस परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, वेबसाइट भी कभी हैंग नहीं हुई, किसी ने तारीख बढ़ाने की मांग भी नहीं की। इसके बावजूद अचानक 30 दिन बढ़ाने का निर्णय इस भर्ती को लटकाने के लिए है। सरकार नहीं चाहती कि भर्ती समय पर पूरी हो। तो इस भर्ती से संबंधित आपकी क्या प्रक्रिया है, आपका क्या कहना है, कमेंट अवश्य करें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए।